हेलो एवरीवन माय सेल्फ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यून नोटिफिकेशन अगर आप टेंथ पास हैं या ट्वेल्थ पास हैं या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप सरकारी स्थाई भर्ती चाहते हैं सरकारी जॉब चाहते हैं जो कि परमानेंट हो तो आज हम इस वीडियो में पाँच ऐसे डिपार्टमेंट्स के बारे में जानेंगे जिसमें अभी प्रजेंट में करंट में भर्ती चल रही है एप्लीकेशन इन्वाइट किए जा रहे हैं जिसमें आप टेंथ बेस पर ट्वेल्थ बेस पर या ग्रेजुएशन बेस पर अप्लाई कर सकते हैं टोटल ओवरऑल वैकेंसी अगर देखें तो पाँच हज़ार एक सौ चालीस हैं जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे इसमें अक्टूबर एंड नवंबर 2021 की ये भर्ती है आप नवंबर तक लास्ट डेट रहने वाली है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है ओके वीडियो so, को एंड तक पूरा देखेगा हम एक एक करके सभी डिपार्टमेंट्स की जो भर्ती अभी आई हुई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले है आईआईटी कानपुर से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है टोटल पोस्ट है 95 जिसमें ड्राइवर जूनियर असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन हिंदी ऑफिसर और इसके अलावा भी अदर पोस्ट हैं एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसमें टेंथ पास टेंथ के साथ आपने आईटीआई किया हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे या आप ओनली ट्वेल्थ पास हैं तो ट्वेल्थ के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप एक्स सर्विस हैं तो एर्ट्थ के बेस पर आप एर्थ पास हैं तो एक्स सर्विस के लिए एर्ट्थ पास हैं क्वालिफिकेशन रखी गई है सो तो एर्ट्थ के बेस पर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट 21 से 50 साल है जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करेंगे तो रिलैक्सेशन है सैलरी इक्कीस हजार सात सौ इनिशियल बेसिक पे रहेगा लास्ट डेट है सोलह नवंबर दो हजार इक्कीस सोलह तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड है डी ए ई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टोटल पोस्ट है 124, जिसमें अपर डिवीजन क्लर्क ड्राइवर सिक्योरिटी गार्ड साइंटिफिक असिस्टेंट वी टेक्नीशियन वी की पोस्ट पर भर्ती है एलिजिबिलिटी टेंथ पास एंड आईटीआई टी है एज लिमिट 18 से 30 साल ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है रिजर्व कैटेगरीज को यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा सैलरी अठारह हज़ार या इनिशियल सैलरी है क्योंकि वेरियस पोस्ट पर है सो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर सैलरी डिफरेंट रहेगी लास्ट डेट है चौबीस अक्टूबर दो नेक्स्ट है एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया टोटल पोस्ट 860 सौ है वॉचमैन की ये पोस्ट है जिसमें एर्ट्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप टेंथ पास हैं और एट्थ के बेस पर करना चाहें तो कर सकते हैं एज लिमिट 18 से 25 साल है जनरल कैटेगरीज के लिए सैलरी 23,300 पर मंथ लास्ट डेट रहेगी 10 नवंबर 2021 इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है इंडियन नेवी इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें टोटल पोस्ट पच्चीस सौ हैं दो हज़ार एंड एस पर एलिजिबिलिटी है ट्वेल्थ पास एज लिमिट सोलह से उन्नीस साल यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस माफ है किसी भी कैटेगरीज के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है सैलरी इक्कीस हज़ार सात सौ से उनहत्तर हज़ार सौ एंड लास्ट डेट है पच्चीस अक्टूबर दो हज़ार इक्कीस तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद इंडियन नेवी से ही सेकेंड नोटिफिकेशन रिलीज है जिस जो कि टेंथ पास कैंडिडेट के लिए है टोटल वैकेंसी यहाँ पर है तीन सौ एम के लिए है ये एंड इसमें एज लिमिट अगेन 16 से 19 साल यहाँ पर भी आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी सैलरी 21,700 से उनहत्तर लास्ट डेट है 2 नवंबर 2021 2 नवंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एसएससी फेज नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसमें टोटल वैकेंसीज तीन हज़ार दो सौ इकसठ है जिसमें एसआई एएसआई एमटीएस क्लर्क स्टेनो ड्राइवर अकाउंटेंट और भी अदर पोस्ट हैं एलिजिबिलिटी टेंथ पास ट्वेल्थ पास एंड ग्रेजुएट तीनों ही क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है एज लिमिट मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलेगा लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन सभी वैकेंसीज़ पर मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं अगर आपने विजिट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मैंने इन सभी का लिंक दे दिया है आप वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिए स्थाई भर्ती है परमानेंट जॉब है अच्छा मौका है अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर इसमें अप्लाई कीजिए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिएगा मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे थैंक यू